हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ नारियल और मूंगफली का बहुत टेस्टी यम्मी बनने वाला चटनी, जिसको हम खा सकते हैं इडली, डोसा, किसी के साथ भी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो मैंने ले लिया है मिक्सी का जार, जिसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दिए हैं, और इसके बाद मैं थोड़ी सी लहसुन डाल दूंगी और घिसा हुआ नारियल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने सूखा नारियल लिया है, आप चाहें तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। ये मैंने सूखा नारियल आधा पूरा लिया है, इस तरह से मैंने घिस करके रख दिया था। तो अब मैं इन तीनों को पीस लूंगी, हल्का पानी डाल डाल करके मैं इसको पीस लूंगी। ये देखिए, जब ये पिस जाएगा तो इसके बाद में मैं एक बार चला दूंगी। अब इसमें मैं मूंगफली, जिसको मैंने हल्का रोस्ट करके रख लिया था, उसका छिलका निकाल करके ये मैं ऐड कर दूंगी, और साथ में मैं इसमें इमली भी ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने पानी में फुला करके रख दिया था। ये देखिए, ये पिस गया है। बस अब इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए, ये बहुत थिक है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको थोड़ा स्मूथ बना लूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। जब ये तेल हल्का गर्म हो गया, तब इसमें मैंने 2 छोटी चम्मच सरसों के दाने ऐड कर दिए हैं। जब ये अच्छे से चटक जाएगा, तो उसके बाद मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दूंगी, और उसके साथ ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो बस अब मैं इसमें नारियल और मूंगफली का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से चला लूंगी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मुझे जितना भी इसको चटनी को गाढ़ा रखना है या ज़्यादा पतला करना है, उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, और टोटल मैंने इसमें प्लेन 1 गिलास पानी ऐड किया है। तो अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार, और इसको मैं अच्छे से चला लूंगी। तो बस ये मेरा हो गया है, एक बार मैं ढक करके पका दूंगी। 5 मिनट तक मैंने पकाया है। अब इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये देखिए, ये मैंने दूसरे बाउल में उतार लिया है। अब मैं ऊपर से एक बार और तड़का लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है। इसमें मैं सरसों का तेल फिर से ऐड कर रही हूँ। जैसे ही तेल गर्म हो गया, इसमें मैंने उड़द दाल और चना दाल थोड़ा सा डाल दिया है, और फिर उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भी डाला है, और 2 सूखा लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड किया है, और लास्ट में कड़ी पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है। कड़ी पत्ता आप चाहें तो शुरुआत में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शुरू में नहीं डाला, मैं इस तरह से ऊपर से तड़के में डालूंगी। इसे इसका कलर ग्रीन ग्रीन भी बहुत अच्छा दिखता है, और जलता भी नहीं है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको पूरी तरह से मिला दूंगी, ताकि कड़ी पत्ते का जो स्वाद है वो पूरी चटनी में फैल जाए। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस ये भी बनके चटनी रेडी हो चुका है। तो इस टेस्टी चटनी के साथ खाने के लिए भी तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो मैंने साथ में बनाया है इडली। तो इडली के लिए मैंने सारा तैयारी करके रात में ही रख दिया था, तो बस अब मैं जल्दी से इडली बना लूंगी। तो चलिए जल्दी से अब इडली बनाकर रेडी कर लेते हैं। इडली का वीडियो मैंने पहले भी मेरे चैनल में अपलोड किया है, आप अगर चाहें तो वहां से देख सकते हैं। नारियल और बादाम का ये चटनी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये चटनी का रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।